हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क एट वेरियस पॉइंट्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन। फेमस क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन उस वक्त जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जाता है 11th स्टैंडर्ड में, तब टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। सिंस हम लोगों ने पिछले लेक्चर में टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, वो हम लोग यूज करके टॉर्क निकालेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे एट वेरियस पॉइंट्स। हाँ, यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग टॉर्क का यूज करेंगे, दैट वुड बी टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये वाला फॉर्मूला जो पिछले लेक्चर में मैंने तुमको पढ़ाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो सिचुएशन बताता हूं मैं। सपोज ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे तुमने एक v0 वेलोसिटी से m मास के प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंका, ठीक। तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, ये जो मोशन रहेगा दैट वुड बी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये पॉइंट रहेगा हाईएस्ट पॉइंट और ये पॉइंट रहेगा पॉइंट एट विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तुमको ये दोनों पॉइंट पे टॉर्क निकालना है, दोनों पॉइंट पे, ओके। ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि भाई यू हैव टू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट एंड सेकेंड एट अ पॉइंट where projectile hits the ground। ये दोनों पॉइंट पे तुमको टॉर्क निकालना है, ठीक है। नाउ अब टॉर्क का फॉर्मूला जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके। अब यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स एक ही लग रहा है, mg, है ना। फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे, फोर्सेस mg। अब एक्चुअली ये जो पॉइंट है, यहां से ये वाला डिस्टेंस नहीं ले सकते हम लोग। हमको क्या करना पड़ेगा, इस इमेजिन करना पड़ेगा कि mg को यहां पे हम लोगों ने लेकर है, एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो अब ये जो डिस्टेंस हो गया ना, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमको मालूम है अगर ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक r होता है रेंज, तो ये कितना हो गया r by 2। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। ये रेंज का फॉर्मूला है। तो यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r by 2, ठीक है। फोर्स कितना है mg। अब यहां पे वेलोसिटी है v0, तो कितना हो गया यहां से mg into v0 square sin 2 theta upon g, 2g आ जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, r by 2 के लिए 2 कर देंगे यहां पे, तो g और g कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया फाइनली टॉर्क का, m v0 square sin 2 theta upon 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, ओके, समझ में आया सबको यहां तक। So this is the formula for torque about about point of projection at highest point, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, torque कहाँ पे निकालना है, at a point where the projectile hits the ground। अब जब यहाँ पे वो hit कर रहा है, तो उसका वजन mg तो नीचे ही लग रहा है ना आज भी। तो second case में force कितना हो गया mg, लेकिन जो distance है perpendicular distance है, वो हो गया r। आसान। अब r जो है, r का फॉर्मूला क्या है, v0 square sin 2 theta upon g, therefore टॉर्क कितना हो गया, फिर टॉर्क कितना हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेंज, रेंज तो v0 square sin 2 theta upon g, g और g कैंसिल, तो फाइनल टॉर्क का फॉर्मूला बन गया m v0 square sin theta। So this is the formula for torque at a point
when where projectile hits the ground. लेकिन ये सारा जो टॉर्क निकाले हम लोगों ने अबाउट कौन से पॉइंट पे निकाले है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे निकाले है, ध्यान में रखना है, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट इट.